Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, बॉलीवुड फिल्म जगत में कई बड़े सितारे हैं जो शादी के बंधन में बंध चुके हैं, लेकिन फिल्मों में काम करने के दौरान इन सितारों की फीस में बहुत अंतर होता है। आज आपको फिल्म जगत की खूबसूरत जोड़ियों के बारे में बताएंगे जो फिल्मों में काम करने के लिए जो फीस लेते हैं उसमें कितना अंतर होता है। आइए जानते हैं इनके बारे में। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा पिछले साल अमेरिकन एक्टर और सिंगर निक जोनस से शादी की है। बता दें कि प्रियंका चोपड़ा एक फिल्म में काम करने के लिए करीब 12 करोड़ रुपए फीस लेती है। वहीं उनके पति निक जोनस एक फिल्म में काम करने के लिए करीब 7 करोड़ रुपए की फीस चार्ज करते हैं। बॉलीवुड फिल्म जगत के नवाब अभिनेता सैफ अली खान ने अभिनेत्री करीना कपूर से साल 2012 में शादी की है। दोनों ही बॉलीवुड के जाने माने स्टार है, लेकिन इनकी फीस में काफी अंतर है। सैफ अली खान एक फिल्म में काम करने के लिए करीब 8 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। वहीं उनकी पत्नी करीना कपूर एक फिल्म में काम करने के लिए करीब 10 करोड़ रुपए लेती है। बॉलीवुड के अभिनेता रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने साल 2018 में शादी की थी और इस साल आई फिल्म पद्मावत में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने साथ में काम किया था। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण की फीस करीब 15 करोड़ रुपए थी, जबकि रणवीर सिंह की फीस करीब 10 करोड़ रुपए थी। इस तरह पति पत्नी की इस जोड़ी में 5 करोड़ रुपए का अंतर था। बॉलीवुड अभिनेता कुणाल खेमू और अभिनेता सैफ अली खान की बहन अभिनेत्री सोहा अली खान ने साल 2015 में शादी की है। कुणाल और सोहा दोनों ही बॉलीवुड फिल्मों में काफी सालों से काम कर रहे हैं। कुणाल खेमू एक फिल्म के लिए करीब 2 करोड़ रुपए फीस लेते हैं और सोहा अली खान एक फिल्म के लिए करीब 3 करोड़ रुपए की फीस चार्ज करती है। टीवी और बॉलीवुड एक्टर करण सिंह ग्रोवर ने साल 2016 में बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री बिपाशा बसु से तीसरी शादी की है। बता दें कि अभिनेता करण एक फिल्म में काम करने के लिए करीब 75 लाख रुपए की फीस लेते हैं, जबकि उनकी पत्नी बिपाशा बसु एक फिल्म के लिए करीब 5 करोड़ रुपए की फीस लेती है।